Hey all, thank you for clicking. This is Atiya Zainab and you are watching my channel Best Explanation Point. और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी द होम कमिंग। तो जैसा कि आपको पता है, जो लोग पहले से मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं उनको पता है कि मैं डायरेक्टली कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करती हूँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस कहानी में क्या है, फिर इसकी थीम्स को डिस्कस करूंगी, टाइटल को जस्टिफाई करूंगी कि इसका नाम द होम कमिंग ही क्यों रखा गया है, फिर उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द समरी। ये कहानी है 14 साल के एक बच्चे पाठक चक्रवर्ती की। उसकी पूरी लाइफ में वो किस तरीके से स्ट्रगल करता है, यही है पूरी कहानी में। अब वो स्ट्रगल उसे क्यों करना पड़ता है, एक्चुअली उसके फादर नहीं थे, उसके फादर की डेथ हो जाती है, कब डेथ होती है ये हमें कहानी में नहीं दिखाया गया। तो फिलहाल वो एक ऑर्फन है, उसके फादर नहीं है, राइट। उसकी एक माँ है और उसका छोटा भाई है। पाठक चक्रवर्ती बहुत लड़ाका टाइप का है, अपने गाँव में जितने शैतान बच्चे हैं उन सबका वो नेता है। ये इस तरीके से क्यों है, क्योंकि इसके फादर की डेथ हो चुकी है, इसको समझाने वाला गाइड करने वाला कोई नहीं है। 14 साल के बच्चे की स्टेज ऐसी होती है कि उसके सर पे कोई होना चाहिए उसको गाइड करने वाला। पाठक चक्रवर्ती को कभी कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो उसको अफेक्शन दिखाता, जो उसको प्यार से बोलता या समझाता कुछ। इसीलिए पाठक चक्रवर्ती दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, बहुत बिगड़ैल हो गया था। अक्सर पाठक चक्रवर्ती की लड़ाई उसके छोटे भाई माखन से होती रहती थी और इस कदर होती रहती थी कि माँ को लगता था कि कहीं किसी दिन पाठक चक्रवर्ती अपने छोटे भाई माखन की कहीं सदी ना फोड़ दे या उसको मार ना डाले। माँ बहुत डरती जा रही थी क्योंकि पाठक की एज ऐसी थी कि ना उसको मारा जा सकता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 14 साल के बच्चे थोड़े बड़े तो हो ही जाते हैं, और ना ही वो इतना छोटा था कि उसको अफेक्शन दिखाया जाता, उससे प्यार से बात की जाती। तो कुल मिला के क्योंकि फादर नहीं थे, एक 14 साल के बच्चे का जो साथी होता है, जो फ्रेंड होता है, वो ज़्यादातर बाप होता है, फादर होते हैं वो समझाने के लिए, लेकिन बेचारे के सर पे कोई नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से वो बिगड़ाल हो रहा था, उसके पीछे एक रीज़न था। तो एक दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती दोनों में, इसमें माखन में और पाठक में। माँ दोनों के केस को सॉल्व करवा रही होती हैं कि उसी दौरान एंट्री होती है माँ के भाई की, यानी कि पाठक चक्रवर्ती के मामा जी की। मामा जी का नाम है बिशाम्बर। तो बिशाम्बर जो मामा है ये डिसाइड करते हैं, अपनी बहन से कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो इस पाठक चक्रवर्ती को लेकर, क्यों ना तुम इसको मेरे साथ कलकत्ता भेज दो, मैं वहाँ पे इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, ये कुछ सीखेगा, यहाँ पे तो ये ऐसी समय काट रहा है, कुछ बन नहीं पाएगा, बिगड़ता और जाएगा। तो बस पहुँच जाता है ये पाठक चक्रवर्ती कलकत्ता अपने मामा बिशाम्बर के साथ। वहाँ जाकर पाठक चक्रवर्ती बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी उसको जो अफेक्शन भरा माहौल चाहिए था, जो प्यार भरा माहौल वो सोच के गया था, उम्मीद लगा के गया था बहुत खुशी खुशी, वो उसको वहाँ नहीं मिलता है। क्योंकि पहले से ही बिशाम्बर के 3 लड़के होते हैं, तो बिशाम्बर की जो वाइफ थी यानी पाठक चक्रवर्ती की मामी, बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी उसे, उन्हें लगता था कि एक और भार मेरे सर पर आ गया है, पहले से ही मेरे 3 बेटे हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, सीधे वो बात तक नहीं करती थी। पाठक चक्रवर्ती चाहता था कि मैं इनके लिए कुछ करूँ तो ये मुझसे ठीक से बात करें। 14 साल के बच्चे को हमेशा ये चाहिए होता है कि कोई उसे ढंग से बात करने वाला हो, समझाने वाला हो। लेकिन पाठक चक्रवर्ती की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। जहाँ वो यहाँ अपने गांव में नेता टाइप का होता था, हर बच्चे उसकी बात मानते थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसके अंदर था, लेकिन वहाँ जाके सब कुछ चेंज हो जाता है, कोई उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। जिस स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाता है वहाँ पर भी उस हालत बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि गाँव में तो उसने पढ़ाई करी नहीं थी, तो स्कूल में बहुत इसका बेस वगैरह ख़राब था, तो टीचर्स ही बहुत उसको डांटते थे, मारते थे, जिससे इसके जो कजिन्स थे यानी मामा जी के बेटे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करते थे कि हमारे साथ ये क्यों पढ़ रहा है, इसको इस स्कूल से निकल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था पाठक चक्रवर्ती वहाँ पर। एक दिन हिम्मत करके वो अपने मामा जी से पूछता है, मामा जी क्या मैं गाँव जा सकता हूँ या हम गाँव कब तक जाएंगे? तो मामा जी जवाब देते हैं, वेट करो जब छुट्टियाँ आएंगी तब हम चलेंगे। इसी कुछ ही दिन बाद एक दिन पाठक चक्रवर्ती स्कूल से घर लौट रहा था, तो उसको ये महसूस होता है कि उसे बुखार चढ़ रहा है, और उसे ये महसूस होता है कि ये बुखार कोई नॉर्मल नहीं है, उसका पूरा शरीर कांप कपकपा रहा था, उसे लगता है कि उसे मलेरिया होने वाला है। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसी हालत में घर जाऊंगा तो मामी मुझ पर चिल्लाएंगी कि एक और उसके ऊपर भार आ गया, देखना पड़ेगा उनको मुझे। तो ये सोचकर वो अपने घर जाने की तैयारी करने लगता है और घर की तरफ निकल पड़ता है, पैदल जाने लगता है वहाँ पर, और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बारिश में भीगने पर, पहले से उसको बुखार था, बारिश में वो और भीग जाता है, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो वहीं कीचड़ में गिर जाता है। यहाँ पे बिशाम्बर परेशान हो जाते हैं कि लड़का गया तो गया कहाँ। पुलिस वाले उसको ढूंढ के लेके आते हैं, किसी तरह घर पहुँचाते हैं। बिशाम्बर
उसको घर में जब लाता है तो उसको भी हालत देख के तरस आ जाता है। वहीं पर जो बीवी होती है विशाम्बर की, जो मामी होती है पटेल चक्रवर्ती की, वो फिर से एक डायलॉग मारती है कि इसको क्यों नहीं तुम भेज देते हो घर, फालतू यहाँ पे ले आए, एक काम बढ़ा दिया तुमने मेरे लिए। तो इस पर पाठक जवाब देता है कि मैं तो घर ही जा रहा था, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती लेके आए, राइट। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाया गया है कहानी में। बुखार में पड़े पड़े पाठक चक्रवर्ती अपने गाँव की बातों को याद करता था और उसे एकदम से याद आता था कि कैसे उसकी माँ उसकी पिटाई करती थी, और वो बुखार के नशे की हालत में यही कहते थे कि माँ मुझे अब ना मारो। तो कुल मिला के रविंद्रनाथ टैगोर ने यही दिखाया है कि किस तरीके से पाठक चक्रवर्ती को जिस चीज़ की कमी थी, जिसकी वो उम्मीद हमेशा लगाए रहता था कि काश ही कभी उसको प्यार भरा माहौल मिले, वो उसको नसीब ही नहीं हुआ। बहरहाल विशाम्बर यानी मामा जी अपनी बहन को ये खबर पहुँचा देते हैं कि तुम्हारे लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसकी बहन आती है यानी पाठक चक्रवर्ती की माँ पहुँच जाती हैं। लेकिन जब तक पहुँचती है हालत बहुत बेकार हो चुकी थी पाठक चक्रवर्ती की। पाठक चक्रवर्ती अपनी माँ को देखता है और कहता है कि क्या छुट्टियाँ आ गई हैं, यानी उसके मामा ने उसे बोला था कि जब छुट्टियाँ आ जाएंगी तो तुम्हें माँ से मिलवाएंगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो घर पहुँच गया है, कि वो छुट्टियाँ आ गई हैं, कहाँ है वो, राइट। और ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है, यानी उसके लास्ट वर्ड्स यही थे कि क्या छुट्टियाँ आ गई हैं। तो ये है समरी, ये है पूरी कहानी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। अब मैं डिस्कस करती हूँ थीम्स को, इसकी थीम क्या निकल के आती है। देखिए थीम क्या होती है, सब्जेक्ट यानी किस पर्टिकुलर विषय पर इन्होंने ये कहानी लिखी है। तो इसकी थीम है थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, स्ट्रगल को। पूरी कहानी में पाठक चक्रवर्ती क्या कर रहा है, स्ट्रगल ही तो कर रहा है। किस चीज़ का स्ट्रगल कर रहा है, ही वॉन्ट्स टू अचीव एन एटमोसफेयर फिल्ड विद लव अफेक्शन, वो प्यार भरा माहौल चाहता है। 14 साल का बच्चा, अगर आप 40 ईयर्स के हो आपको ये चीज़ रियलाइज हो रही होगी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। इसके अलावा जो थीम निकल के आती है वो आती है थीम ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड आइसोलेशन। कंट्रोल यानी देखा जाए तो पाठक चक्रवर्ती की माँ का अपने बेटे पे कंट्रोल ही नहीं था। अगर उन्होंने शुरू से ही कंट्रोल किया होता तो पाठक चक्रवर्ती की ये हालत ना होती, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी होती कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बच्चा मेरे ही पास रहे। और अगर उन्होंने भेजा था वहाँ पे तो उनको देखना चाहिए था, खबर लेनी चाहिए थी कि उनके बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, राइट। लव एंड आइसोलेशन, लव मैंने आपको बता दिया, उसको प्यार भरा माहौल ही चाहिए था जो उसको नहीं मिल पाया। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग सलग रहना, तो घर से कैसे उसको अलग कर दिया जाता है, एक 14 साल के बच्चे को उसके घर से अलग कर दिया जाए और ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे उसको हर कोई बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसके बराबर के बच्चे उससे बात नहीं कर रहे हैं। एक लेडी का अफेक्शन चाहिए होता है, चाहे वो मौसी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, एक लेडी का अफेक्शन कि वो उसको हग करे, उसके फोरहेड पे किस करे कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बच्चा तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो या एक चीज़ गलत कर रहे हो, कोई समझाने वाला होना चाहिए एक ऐसे बच्चे के साथ, बट बेचारे के साथ कोई नहीं था। तो वी कैन सी ये थीम्स नज़र आ रही हैं, थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड आइसोलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइटल जस्टिफिकेशन, यानी जो कहानी का टाइटल है द होम कमिंग, घर वापसी, ये कहाँ तक सही है और इसको आपको जस्टिफाई करना है, हाउ कैन यू से दैट द टाइटल इज एक्यूरेट अप टू द मार्क। तो पूरी कहानी में होम कमिंग, घर वापसी, पाठक चक्रवर्ती ने जो एक्सपीरियंस करी है कई बार करी है। पहली होम कमिंग कहानी की शुरुआत में जब आप पढ़ोगे तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि दोनों भाइयों में कुछ लड़ाई हो जाती है। क्यों लड़ाई होती है, जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी तब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो छोटा वाला जो भाई होता है वो माँ के पास शिकायत लगाने जाता है कि पाठक ने मुझे पीटा है। तो माँ गुस्से में आके अपने नौकर को भेजती है, बुलवाती है कि बुला के लेके आओ पाठक को, मैं इसको अभी बताती हूँ, मेरे छोटे बेटे को मारा है उसने। तो भाई उस वक्त जब वो बुलाने आता है नौकर, तो उस वक्त जो होम रिटर्निंग थी, वो जब वो घर जा रहा था तो उसको पता था कि वहाँ जाके उसको एक पनिशमेंट फेस करना है, छोटे भाई ने जाके मेरी चुगली लगा दी होगी, उसको जाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होम कमिंग का कि उसे कैसा घर जाना पसंद आ रहा है, वो चाह रहा है कि मैं अगर घर जाऊँ तो माँ मेरी भी बात सुने, मुझे भी समझे, लेकिन उसको पता है कि माँ मेरी तो सुनेगी नहीं, अपने छोटे बेटे की ही सुनेगी। तो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ होम कमिंग बाय पाठक। अब जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ पे मामा जी आते हैं, मामा जी उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ कलकत्ता चलो, मैं तुम्हें वहाँ एजुकेटेड करूँगा। तो उसे लगता है कि मेरी शायद होम कमिंग ये है, मेरा वहाँ घर है, मैं वहाँ जाके जैसे पढ़ाई लिखाई करूँगा, मुझे वहाँ अच्छा लगेगा। तो कलकत्ता को वो होम कमिंग समझ रहा है, लेकिन वहाँ जाके भी क्या होता है, उसको
उसका अनवेलकम होता है। जैसी वो होप्स लेके गया था वैसा उसको नहीं मिलता है। तो दिस वॉज द सेकेंड एक्सपीरियंस ऑफ होम कमिंग दैट ही फील्स कि जो कलकत्ता होगा वो सेकेंड होम होगा जहाँ पे मुझे अफेक्शन मिलेगा, बट इट वॉज नॉट एज द सेम। अब इसके बाद क्या होता है, जब उसको बुखार आ जाता है और वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मामी जी बहुत गुस्साएंगी, कहेंगे कि ये बीमार मेरे सर पे आ गया, एक मुझे बाहर और मिल गया। तो इस ये सोच के वो घर जब जाने लगता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके आते हैं, फिर से ले जाते हैं मामी जी के यहाँ। तो फिर उसकी होम कमिंग होती है, उसे तब उम्मीद होती है कि शायद ये होम कमिंग उसकी अच्छी हो। तो ये होम कमिंग उसकी कैसी है, फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और जो लास्ट होम कमिंग है वो है उसकी डेथ। जब उसकी माँ जाती है, उसके आखिरी वर्ड होते हैं क्या छुट्टियाँ आ गई हैं, तो अब फाइनली वो मर गया है। उसकी होम कमिंग क्या है, गॉड के पास वो पहुँच गया है, उसकी डेथ हो चुकी है। कुल मिला के होम कमिंग सिर्फ ये नहीं है कि वो जो है कलकत्ता चला गया था तो वहाँ से वो घर आना चाहता था, नहीं, कई जगह कई फेसेस पे उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है होम कमिंग की। अब हम शुरुआत करते हैं लाइन बलन एक्सप्लेनेशन। पाटिल चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। पाटिल चक्रवर्ती अपने गांव के लड़कों का सरगना था, नेता था। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, एक नई शैतानी उसके दिमाग में सूझी। देयर वाज अ हेवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। स्क्रीन पे आप देख सकते हो मास्ट किसे कहते हैं, बोट में ऊपर की तरफ जो एक सपोर्टिंग के लिए एक रॉड टाइप की एक स्ट्रक्चर टाइप का होता है उसे कहते हैं मास्ट। तो नदी के किनारे एक हैवी लकड़ी का एक लॉक लट्ठा जिसको हम हिंदी में कहते हैं पड़ा हुआ था, जिस जो इसलिए पड़ा था कि उसे मास्ट बनाना था, किसी का पड़ा होगा वहाँ पे। ही डिसाइडेड, पार्टिक ने डिसाइड किया दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉक बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। उसने ये सोचा कि क्यों ना वो और उसके फ्रेंड्स मिलकर इस लॉक को बहा देते हैं, पानी में रोल कर देते हैं, लुढ़का देते हैं। इससे क्या होगा, जो ओनर होगा उस लॉक का जिसका भी वो लॉक पड़ा हुआ है वो गुस्सा हो जाएगा और उसको बड़ा सरप्राइज लगेगा कि मेरा यहाँ पे लॉक पड़ा था वो कहाँ गया। जब वो देखेगा परेशान होगा, तो ये सब क्या करेंगे, एंजॉय द फन, मजा लेंगे उसका। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल। सेकेंडेड यहाँ पर सेकेंड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अग्रीड। हर किसी ने इस प्रपोजल को अग्री किया, उसके सारे जो फ्रेंड्स खड़े थे वहाँ पे सबने कहा ठीक ऐसा करते हैं। एंड इट वॉज कैरीड यूनानिमसली। यूनानिमसली मतलब होता है एक मत होकर, ओके, बिना किसी ऑपोजिशन के, तो सब लड़के मान जाते हैं कि हाँ चलो ऐसा किया जाए। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, जैसे ही ये तफरी शुरू होने वाली थी, माखन जो कि पाठक का छोटा भाई था सॉन्टर्ड अप। सॉन्टर वर्ड आपके बोंकूस फ्रेंड में भी आया है और आपके जो एक पोएम है स्किम्बल शैंक्स उसमें भी आया है। सॉन्टर का मतलब होता है टू वॉक इन रिलैक्स्ड मैनर, बड़ी आराम से चलना, जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है, बिना परेशानी के बहुत आराम से चलना, ठीक है, टहलना। तो जो माखन था छोटा भाई पाटिक का, वो बड़े आराम से उठता है अपनी जगह से जहाँ पे भी वो था, सॉन्टर्ड अप चलने लगता है रिलैक्स्ड मैनर में और जाके उस लॉग पर बैठ जाता है जिसको ये लोग बहाने वाले थे। द बॉयज वर पजल्ड, पजल्ड मतलब सरप्राइज, लड़के ये देख के चौंक जाते हैं, ये क्या हुआ, ये यहाँ क्यों बैठ गया आके। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज एंड टोल्ड टू गेट अप, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड। ही वॉज पुश्ड, ही रेफर्स टू माखन। माखन को धक्का दिया गया कि हटो, और लेकिन थोड़ा सा डर के किया गया ऐसा, क्योंकि भाई किसका है भाई, है तो वो पाठक का ही भाई। तो जो ग्रुप था उनमें से एक लड़के ने उसको हटाने की कोशिश करी थोड़ा डरते हुए कि भाई ज़्यादा तो नहीं कर सकते, है तो वो पाठक का ही भाई। लेकिन तब भी ही रिमेन क्वाइट अनकंसर्न, उसको कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल उसको परवाह ही नहीं कि कोई उसको धकेल रहा है, क्या कर रहा है, वो मजे से उसमें बैठा हुआ था। ही अपीयर लाइक अ यंग फिलोसोफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। माखन इस तरीके से उसमें बैठा था उस लॉग पर अड़ के, बिल्कुल ढीठ बना हुआ ऐसा दिख रहा था, मानो कि एक जवान फिलोसोफर हो और वो मेडिटेटिंग कर रहा हो, विचार विमर्श कर रहा हो इस बात पर कि ये जो गेम्स वेम्स खेले जाते हैं ये सब बेकार हैं। फ्यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूजलेसनेस, यानी कि गेम्स वेम्स नहीं खेले जाने चाहिए, तुम लोग सब जो तफरी करने वाले हो सब सब गलत बात है, मत करो, ये बैठा हुआ था उस तरीके से। पाठक वॉज फ्यूरियस, पाठक ये देख कर क्या हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। फ्यूरियस मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाता है। माखन चिल्लाता है, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। थ्रैश कहते हैं टू बीट वायलेंटली, कहते हैं कि तुम एक मिनट में अगर नहीं उतरे ना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा।
माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन अपने बड़े भाई पाठक की ये बात सुनके कि तुम अगर नहीं उतरोगे तो मैं बहुत पिटूंगा, ये सुन के वो और कंफर्टेबल पोजीशन ले लेता है। उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती कि भाई ने कुछ कहा भी है, और अच्छे से वो बैठ जाता है उस लॉक पर। नाउ इफ पाथिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। रीगल कहते हैं ग्रैंड को, और डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, यानी जो सम्मान पाठक चक्रवर्ती का, जो डिग्निटी मेंटेन थी अपने फ्रेंड्स में, अगर उसे वो बनाए रखना चाहता था, ही वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, इट वॉज क्लियर, साफ साफ था कि उसने जो धमकी दी है कि वो पीट डालेगा माखन को, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की। हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको पता था कि ये जाएगा माँ से मेरी चुगली करेगा, या अभी और ज्यादा इश्यू होगा तो मैं इसको पीटूंगा तो नहीं। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउ एवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मेन्यूवर विच वुड डिसकॉम्फर्ट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूजमेंट। जैसे कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती ऐसा करने की, उसको पीटे, लेकिन उसका जो खुराफा दिमाग था, फर्टाइल का वैसे मतलब आपको पता होगा यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, उसका जो दुष्ट दिमाग था, हालांकि उसके अंदर एक नया मैनूवर कहते हैं ऑपरेशन को, एक नई खुराफात उसके दिमाग में आती है, एक नया ऑपरेशन करने की वो सोचता है, विच वुड डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट कहते हैं कि टू मेक फील अनईजी, जिससे उसके भाई को केवल अनईजी फील होगा। एंड फॉर हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूजमेंट का मतलब है कि लेकिन जो मजा, अम्यूजमेंट मतलब क्या हो रहा है, मजा, यानी जो मजा ये लोग करने वाले थे उस लॉक को बहाने में, उसमें और इजाफा हो जाएगा, और मजा आ जाएगा। आखिर वो क्या करना चाह रहा है, आगे लिखा है, ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉक एंड माखन ओवर टुगेदर। अब वो कहता है, कमांड देता है, ऑर्डर देता है अपने दोस्तों को, ऐसा करो, ये नहीं हट रहा है ना, मत हटने दो, इसके समेत तुम लॉक को बहा दो, ये भी गिरेगा और लॉक भी जाएगा। माखन हार्ड द ऑर्डर, माखन ने सुना कि भाई ने क्या ऑर्डर दिया है अपने दोस्तों को, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। अब भाई वो अपने मान पर ले आता है, उसकी ऑनर की बात आ जाती है कि भाई मेरे खिलाफ ऐसा कहा जा रहा है, अब तो मैं और ही नहीं हटूंगा, अब तो मैं और चिपक के बैठूंगा। बट ही ओवर लुक द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेमर इन अदर मैटर्स दैट देयर वॉज पेरिल इन इट। माखन क्योंकि चिपक के और बैठ गया था, वो अपनी नाक पर इस बात को ला रहा था कि भाई मेरी नाक कट जाएगी अगर मैं अब उतर गया, मैं तो अब बैठे ही रहूंगा। उसने इस बात को, इस फैक्ट को ओवरलुक किया था, ये जो लाइन लिखी है, बट ही ओवरलुक द फैक्ट, ये रविन्द्रनाथ टैगोर हम रीडर्स को बता रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, हमें वो बता रहे हैं अलग से कि इस माखन ने इस फैक्ट को ओवरलुक कर लिया था, नाक पे ले लिया था अपने, उन लोगों की तरह जो अर्थली फेम, दुनिया की शानो शौकत पाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, अपने सिर्फ ऑनर की बात आने के लिए, और ये नहीं समझते कि कुछ खतरा भी हो सकता है उसमें। क्योंकि माखन को रियलाइज करना चाहिए था कि अगर वो बैठा रहेगा और वाकई ये लोग लुढ़काने लगे लॉक को, तो वो गिर भी सकता है, उसे चोट लग सकती है। पेरिल मतलब क्या होता है, डेंजर, इस बात में खतरा था कि वो उस पर बैठे रहे, क्योंकि ये लोग तो मानेंगे नहीं, लुढ़का के रहेंगे, तो उसको हट जाना चाहिए था। तो वो वैसे ही कर रहा है जैसे और लोग क्या करते हैं, दुनियावी शानो शौकत को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, भले ही उसमें खतरा क्यों ना हो। द बॉयज बिगैन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट। हीव कहते हैं टू लिफ्ट, उठाना, उस लॉग को पूरी माइट कह रहे हैं यहाँ पे, पार पूरी ताकत से वो लोग जुट जाते हैं उस लॉग को शिफ्ट करने के लिए, कॉलिंग आउट, और वो चिल्लाते जाते हैं, एक दो, जब लुढ़काने के लिए लोग गिनती गिन रहे हैं, दूसरे बार में ये फेंक देंगे, 1 2 3 एट द वर्ड गो द लॉक वेंट एंड वेंट इट विद माखन फिलोसफी ग्लोरी इन ऑल। चला जाता है वो लॉग, और माखन अभी तक जो फिलोसफर बना बैठा हुआ था, जो शानो शौकत लेके बैठा हुआ था, हटना ही नहीं चला था, वो सब भी कहाँ चला गया, जमीन में, यानी वो गिर पड़ता है माखन। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स हॉर्स विद डिलाइट। हॉर्स मतलब होता है बहुत कर्कश आवाज में बोलना, आवाज निकालना। सारे जो दूसरे लड़के वहां पे खड़े थे आसपास, बहुत तेज से खुश होकर टाका लगाने लगे थे, आवाजें निकाल रहे थे कि ए गिर गया, वॉट एवर जो भी कह रहे हो वो अपने आवाज में। बट पाठक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन ये सब देखकर पाठक को थोड़ा सा डर लग रहा था, वो डरा हुआ था, उसे पता था वॉट वॉज कमिंग, क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेटेड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। एंड श्योर इनफ, और वाकई ये बात सच हुई जो वो सोच रहा था, माखन रोज, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में राइज की, उठा अपनी जगह से, मदर अर्थ यानी जमीन पर जो गिर गया था,
किस तरीके से वो उठा हुआ बताया जा रहा है, ब्लाइंड एज फेट, बिल्कुल ऐसे जैसे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधों की तरह, मतलब वो लपकना जा रहा था पाठक पर बिना कुछ रास्ते में देखे हुए, उसे मारना जा रहा था, इस तरीके से वो उठा बहुत ज्यादा। स्क्रीमिंग मतलब होता है बहुत तेज चिल्लाना चीखना, लाइक फ्यूरीज, फ्यूरीज कहते हैं बहुत वॉयलेंट एंगर, बहुत ज्यादा गुस्से में उठा वो वहां से अपनी जगह से। ही रश्ड एट पाठक, और वो लपक पड़ता है पाठक पर, कूद पड़ता है और स्क्रैच हिज फेस, उसको मुंह नोच लेता है, एंड बीट हिम, बीट इन सेकेंड फॉर्म में उसको पीट डालता है, उसको थोड़ा सा किक भी करता है, लात वात घुसा भी दे देता है, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और खुद ही रोता, खुद ही मार रहा है, खुद ही पीट रहा है, सब कुछ कर रहा है, और रोते हुए खुद घर चला जाता है। कौन? माखन। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर, ये जो ड्रामा चल रहा था इतनी देर से उसका फर्स्ट एक्ट खत्म हो जाता है। अभी वो नोच के गया है ना किसका मुंह, पाठक का, तो पाठक वाइप्ड हिज फेस, पाठक अपना मुंह पोंछता है, एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक। बाज कहते हैं एक फ्लैटेंड बोट को, एक पतली सी चौड़ी सी बोट होती है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, उसे कहते हैं बाज। तो पानी में डूबी हुई, यानी संकन मतलब होता है सबमर्ज इन द वाटर, तो पास में एक नाव पड़ी हुई थी उस पर जाके वो बैठ जाता है पाठक अपना मुंह पोंछने के बाद, एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और वहां से घास तोड़ कर खाने लगता है। अब आप सोचो कि मैम घास कौन खाता है, तो कुछ घासें ऐसे होती हैं बच्चा जो खाई जाती हैं, चबाई जाती हैं, तो चबाने बैठ जाता है। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड अ मिडिल एज मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टाशे स्टेप्ड ऑन शोर। मुस्टाशे कहते हैं मूछों को। जब वो घास चबा रहा था बैठकर, ठीक तभी एक बोट लैंड करती है वहां के, रुकती है, और उस बोट से एक अधेड़ उम्र का इंसान निकलता है जिसके बाल सफेद हो रखे थे, ग्रे यूज होता है इंग्लिश में सफेद बालों के लिए, ध्यान रखिएगा कभी भी वाइट हेयर नहीं बोले जाते, ठीक है, तो थोड़ा बूढ़ा इंसान था वो, और उसके मूछे थी। यहाँ पे आके इसके पास रुक जाता है उस किनारे पर, शोर कहते हैं किनारा, ठीक है। यही कौन है? यही मामा है विश्वंबर, जिसको मैं अभी बता रही थी। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। मामा भी पहचानते नहीं है पाठक को कि ये पाठक है, ये मेरा भांजा है, क्योंकि जब से डेथ हुई थी इसके फादर की, यानी इनके बहन के हस्बैंड की, तब से मुलाकात इनकी नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट लड़कों को देखा ही नहीं था आज तक मामा ने, राइट। तो वो देखा बैठते हैं उस पाठक को उस बोट में कि वो कुछ नहीं कर रहा है बैठकर, तो पूछते हैं आके कि भाई चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, किसको पूछ रहे हैं? पाठक चक्रवर्ती, यानी इसके माँ का ही पता पूछ रहे हैं, यानी पाठक से ही पाठक के घर का पता पूछा जा रहा है। कौन पूछ रहा है? उसके मामा जी पूछ रहे हैं। इन पाठक पे क्या असर होता है? पाठक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास एंड सेड, पाठक वो ग्रास चबाता रहता है, और चबाते चबाते कहीं भी इशारा नहीं करता, बस कहता है उधर रहते हैं, ना इधर इशारा कर रहा है ना उधर इशारा कर रहा है, बस कह रहा है उधर रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेरी पॉइंटेड, समझ में नहीं आता कि वो इशारा कर किस तरफ रहा है। द स्ट्रेंजर, यानी वही जो विशाम्बर आए हुए हैं, वो दोबारा पूछते हैं। अब दोबारा पूछने पर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है ये पाठक? ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बाज, नाव से अपना पैर जो लटकाए हुए बार वो आगे पीछे करने लगता है, हिलाने लगता है, झुलाने लगता है अपने पैरों को, मतलब मस्त है, कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है कि कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो कितना ज्यादा यू नो इनडिसिप्लिन, कितना बदतमीज, कितना रूड है, राइट। उससे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, कोई अधेड़ उम्र का इंसान कुछ पूछ रहा है, तो यहाँ पे उसको उसका बिहेवियर दिखाया जा रहा है हमको। वो कहता है, जवाब देता है पाठक, गो एंड फाइंड आउट, जाओ खुद पता करो ना, एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह वो घास चबाना फिर से स्टार्ट कर देता है। तो भाई अब माखन घर पहुंच चुका था, शिकायत लगा चुका था, तो क्या होता है अब? बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड पाठक हिज मदर वांटेड हिम। लेकिन तभी एक नौकर वहां से आ जाता है घर से, माँ ने भेजा था उसको पाठक को बुलाने के लिए, क्योंकि शिकायत लग चुकी है, माखन जाकर चुगली कर चुका है कि उसने मारा है मुझे, ठीक है। तो नौकर कहता है कि पाठक चलो, मम्मी ने बुलाया तुम्हारी। पाठक रिफ्यूज टू मूव, पाठक वहां से हिलने को मना कर देता है, वहां से जाने को मना करते है, कहता है मैं नहीं जा रहा घर पर। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, तो देख सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर ने कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। था तो वो नौकर, लेकिन उस वक्त उस ओकेजन पर उस जगह पर वो मालिक बनकर बात कर रहा था, क्योंकि माँ ने कहलवाया था कि लेके आना किसी तरीके से, वो आएगा खुद नहीं, तुम पकड़ के लिए घसीटते हुए लेके आना। He took Patrick up roughly and carried him kicking and struggling in impotent rage. Impotent कहते हैं ineffective, यानी जो गुस्सा इसको आ रहा था पाठक को वो ineffective था, वो मना कर रहा था, struggle कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, वो घसीट रहा था नौकर, तो ऐसा करते हुए यानी वो मना कर रहा है, वो घसीट रहा है, इस पोजिशन में वो ले जाता है नौकर घर तक घसीटते हुए उसको।
रफ तरीके से। व्हेन पाठक केम इनटू द हाउस हिज मदर सॉ हिम। जैसे ही पाठक एंटर करता है घर में, माँ देखती है और बड़े गुस्से से उसे कहती है, तो माखन को दोबारा से पीट रहे थे। तो इस अगेन से हमको पता चल रहा है कि दोनों में लड़ाई अक्सर होती रहती है, राइट। तो पाठक आंसर इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली मतलब होता है फुल ऑफ एंगर, गुस्से से भरा हुआ आंसर करता है, नो आई हैवंट, मैंने नहीं मारा है इसको, किसने आपको बताया कि मैंने उसको मारा है। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्ला पड़ती है, झूठ मत बोलो, तुमने उसको मारा है। पाठक अचानक से बोलता है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मैंने मारा नहीं है, माखन से पूछिए, मैंने मारा नहीं है। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक हिज टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। लेकिन माखन को तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि वो जो बात कह देता है उस पर अड़ जाता है, तो अपने वो प्रीवियस स्टेटमेंट पर जो उसने झूठ बोल रखा था वो स्टिक हो जाता, चिपक जाता है कि हाँ इसने मुझे मारा है, पाठक ने मुझे मारा है। पाठक पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पाठक का जो पेशेंस था, जो सब्र था, वो पहले ही टूट गया था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, ये अन्याय वो नहीं सह सकता था, क्योंकि भाई मारा तो वाकई उसने नहीं था, वो कह रहा था साफ साफ पहले कि हट जाओ, तो क्यों नहीं हटा माखन, राइट। तो पहले से ही वो गुस्से में था, अब उसका जो पेशेंस था वो और टूट गया था, वो इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, अब उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो अब माखन को सच में मारने के लिए टूट पड़ता है। ही रश्ड एट माखन, सोचता है कि इसने मेरी शिकायत जब कर ही दी है, मैं जब झूठा बनी रहा हूँ, तो उसको मैं मारूंगा। एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और वो ब्लोज मतलब मुक्के, ठीक है। तो वो शुरू हो जाता है, ढपट पड़ता है माखन पर, टेक दैट एंड दैट, ये ले ये ले ये ले, करते करते और कहता है, एंड फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलते हो तुम, झूठ बताते हो माँ को। मारता पीटता रहता है उसको, यानी बहुत मारता है। हिज मदर टुक माखन साइड इन अ मोमेंट, ठीक उसी वक्त उसकी माँ है माखन का साइड लेने लगती है और पाठक को खींचती है, इसको मत मारो, बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, और वो उल्टा पाठक को ही मारने लगती है। व्हेन पाठक पुश्ड हर असाई, जब पाठक क्या करता है अपनी माँ को पीछे ढकेल देता है कि आप बीच में ना आइए, मैं इसको मारूंगा, तब वो चिल्ला पड़ती है, व्हाट आर यू लिटिल विलेन, वुड यू हिट योर ओन मदर, दुष्ट लड़के, क्या तू अपनी माँ को मारेगा, मुझे इस तरीके से हटा रहा है यहाँ से कि तू क्या मुझ पे अभी हाथ उठाएगा। नहीं, इस लाइन से हमको पता चल रहा है कि माँ कितना परेशान हो चुकी है अपने इस बड़े बेटे से। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर स्ट्रेंजर अराइव। जंक्चर कहते हैं अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ सम इवेंट, ये मैटर चल ही रहा था, पीक टाइम चल रहा था, जब माँ ने ये बोला, ये अल्फाज बोले कि क्या तू अपनी माँ पे हाथ उठाएगा, तो उस ठीक उसी वक्त, उस जंक्चर पर, उस स्टिल मोमेंट पर, वो जो बूढ़े बाल वाला यानी वो विशांबर मामा आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पाठक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, शीपिश कहते हैं टिमिड, डरपोक, बट और अशेम्ड, एम्बेरस हो रखा था वो, क्योंकि अभी यही इंसान तो उसको वहां मिले थे, तो वो देख के बड़ा एम्बेरस हो जाता है। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जैसे उसकी माँ पीछे हटती हैं, अभी वो उसकी तरफ बड़ी हुई थी पाठक की तरफ, अब वो पीछे उड़ती हैं और उस स्ट्रेंजर को देखती हैं, जैसे ही उनका गुस्सा चेंज हो जाता है सरप्राइज में, वो चौंक जाती हैं, फॉर मतलब यहाँ पर है बिकॉज, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था, रिकग्नाइज पहचान लिया था अपने भाई को कि मेरा भाई आया है, तो चिल्ला पड़ती है, वाई दादा वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कैसे आ गए। एज शी सेड दिस वर्ड शी बाउड टू द ग्राउंड एंड टच हिज फीट, वो नीचे झुकती हैं और उसके पैर छूती हैं अपने बड़े भाई के। दादा यहाँ बड़े भाई को बोला जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, जैसे ही इसकी बहन की शादी हो गई थी विशांबर की, विशांबर चला गया था यहाँ से और उसने बॉम्बे में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, उसके पति की जब डेथ हुई, यानी कि पति चक्रवर्ती के बाप की जब डेथ हुई, तब मामा जी बॉम्बे में ही थे, विशांबर अब वापस आ गया था कलकत्ता। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, आते ही फौरन उसने अपने बहन की इंक्वायरी करी कि वो यहाँ कहाँ रहती है। ही हैड देन हैसन टू सी हर एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, हैसन कहते हैं बी क्विक टू डू समथिंग, और इसने इस चीज़ में, यानी विशांबर ने इस चीज़ में जल्दी करी अपने बहन से मिलने की, जैसे उसको पता लगा कि वो कहाँ रहती है। तो इस लाइन से में दिखाया जा रहा है कि यानी विशांबर ने जो फैसला लिया था आगे चल के, जब वो फैसला लेगा पाठक को ले जाने का, वो एक अच्छा इंसान है, यानी वो अच्छा सोच रहा है पाठक के लिए कि वो मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, उसको अपनी बहन की फिक्र भी है, फौरन वो आया है मिलने के लिए, उसकी खैर खबर के लिए आया है, और अपने बहन का एक तरीके से वो बोझ कम करना चाह रहा है कि बेचारी वो पढ़ा नहीं पा रही अपने यहाँ बेटे को, तो उसको मैं ले चलता हूँ, उसकी भी कोई गलती नहीं है देखा जाए तो।
The next few days were full of rejoicing. The brother asked after the education of the two boys. अगले जो कुछ दिन थे वो खुशी भरे थे, घर में माहौल अच्छा रहा, अभी तक तो लड़ाई चल रही थी. तो भाई ने पूछा यानी अपनी बहन से कि दोनों बच्चों की एजुकेशन कैसे चल रही है. तो बताया उसकी बहन ने दैट पार्टिक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस. परपेचुअल कहते हैं नॉट चेंजिंग, और न्यूसेंस कहते हैं कॉजिंग इनकन्वीनियंस, कॉजिंग अनॉइंस, यानी ये हमेशा मुझे दुखी देता रहता है, हमेशा कभी बदलेगा नहीं, बहुत बुराई करने लगती है पार्टिक की. ही वॉज लेजी, डिसोबीडियंट, वाइल्ड, जंगली है, मानता नहीं है कहना, बहुत ही सुस्त है. बट माखन माखन तो मेरा ऐसा हीरा बच्चा है, एकदम सोने की तरह अच्छा है, और क्वाइट इतना खामोश रहता है लैम्प की तरह, और उसको रीडिंग का बहुत शौक है. विशंबर काइंडली ऑफर टू टेक पार्थिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकटा. विशंबर ठीक उसी वक्त ऑफर कर देता है, प्रपोजल रखता है उसकी माँ से कि पार्थिक को मैं क्यों ना अपने साथ कैलकटा ले जाऊँ, मेरे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं कैलकटा में, तो वहीं पर एजुकेट करूँ उसको. द विडोड मदर, जो विधवा माँ थी, उसके सर पे साया नहीं था हस्बैंड का, रेडिली अग्रीड. बेचारी क्या करती, तुरंत मान जाती है. जब उसके अंकल ने पाठक से पूछा इफ ही वुड लाइक टू गो टू कैलकाटा विद हिम, क्या उसे पसंद है, वो जाना चाहेगा उसके साथ कलकत्ता, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स. उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था. उसने कहा ओ यस अंकल इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट. यानी जिस तरीके से उसने यस अंकल कहा था, साफ लग रहा था कि वाकई उसको जाने के पीछे बहुत सारी होप्स हैं, उम्मीदें हैं वहां जाने की. यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो जबरदस्ती जा रहा हो, ही मेंट इट, यानी कि जो उसने बोला वो मन से बोला था. अब वहां जाके उसके साथ क्या क्या होता है, कैसे वो बुखार में पड़ जाता है और कैसे लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट टू में. आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लेके मुझे जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करिए. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब इट फॉर सच मोर वीडियोज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.